तो जैसा कि तुम सबको पता है, फिलहाल हम लास्ट 2 दिन से कंप्यूटर फंडामेंटल वाली यूनिट कर रहे हैं, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ में है। तो पिछले 2 दिन से हम सिर्फ वो टॉपिक कर रहे थे जो टॉपिक बाकी क्लास ने 9th क्लास में किए हुए हैं, क्योंकि हमारी 9th क्लास में फर्स्ट यूनिट यही थी, कंप्यूटर फंडामेंटल। लेकिन जो 4 बच्चे नए आए हैं कंप्यूटर में, उन्होंने नहीं किए थे, तो इसलिए लास्ट 2 दिन में उनको वो टॉपिक्स करवा दिए गए हैं। तो अब हम आज इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। हमको 2 ही टॉपिक बचे हैं, एक तो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक दूसरा है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी को पूरा ही पढ़ेंगे, उसी के अंदर ही आ जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं नोट्स पे। तो सभी को ऐसे ही, जो नए स्टूडेंट हैं ना, जो जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो आज से लिखना शुरू करेंगे इस यूनिट को, उनको ऐसे ही ऊपर लिखना है कंप्यूटर फंडामेंटल ब्रैकेट में अक्टूबर और यूनिट नंबर 5। तो पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। वैसे तो तुमको पता ही है सारा, लेकिन एग्जाम में कैसे टेबल बना के लिखना है वो देखो। इस साइड हमारा हार्डवेयर की बात आएंगी और इस साइड सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या होती है। फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई भी पूछेगी सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, कोई काम किस तरीके से करना है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमको दिखता है बस, ठीक है। हार्डवेयर इज बिल्ड यूजिंग फिजिकल मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हार्डवेयर को कैसे बनाते हैं, हार्डवेयर कैसे बनता है, या तो लोहे से बनेगा, प्लास्टिक से बनेगा, तारों से बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनेगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को कैसे बनाते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को राइट करके, ठीक है, लिख के। हार्डवेयर कैन बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड, हार्डवेयर खराब हो गया, जैसे कि हमारी स्क्रीन खराब होगी मान लो, तो उसको क्या कर सकते हैं, या तो रिपेयर करवाएंगे, रिपेयर नहीं हो सकती तो रिप्लेस दूसरी लगाएंगे। सॉफ्टवेयर अगर खराब होता है उसको क्या करते हैं हम, या तो उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, या फिर उसी को सॉफ्टवेयर की जो कमी को दूर करना, सॉफ्टवेयर के एरर को दूर करने को क्या बोलते हैं हम, एक वर्ड होता है डीबग, ठीक है। हार्डवेयर हैज 4 मेन कैटेगरीज, हार्डवेयर की 4 मेन कैटेगरी हैं, एक तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस और इंटरनल कंपोनेंट्स, यही होते हैं हमारे कंप्यूटर में। इसके अलावा बता दो कौन सा हार्डवेयर होता है, या तो इनपुट डिवाइस होगा वो, कोई भी हार्डवेयर इन 4 कैटेगरी के अलावा 5वीं कैटेगरी में हो ही नहीं सकता। अब जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन किस में आएगा, आउटपुट डिवाइसेस में, माउस किस में आएगा, इनपुट डिवाइसेस में, कोई हार्ड डिस्क किस में आएगी, मेमोरी डिवाइसेस में, ठीक है। जो मदरबोर्ड है वो किस में आएगा, इंटरनल कंपोनेंट्स में, रैम चिप है वो किस में आएगी, मेमोरी डिवाइसेस में, ठीक है। तो हार्डवेयर की जो 4 ही कैटेगरी होती है, सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती हैं, या तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, या वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एग्जाम्पल देख लो, हार्डवेयर जो चीज, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीपीयू एटसेट्रा, और इसमें इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पड़ा है वो, ठीक है, यानी कि जो चीज़ हम सिर्फ देखते हैं, ठीक है, विजुअली देखते हैं स्क्रीन पे। अब चलो आगे, अब हम हमेशा क्या करते थे, एक मेमोरी यूनिट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नई हेडिंग बनानी है, उसके बाद मेमोरी यूनिट, ये सेकंड नंबर नहीं डालना है ऐसे, ठीक है, नया यहाँ डॉट लगा के, गोल गोल डॉट लगा के मेमोरी यूनिट। सबसे पहले मेमोरी यूनिट की डेफिनेशन, इट स्टोर्स द डाटा, डाटा को स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, निर्देशों को, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस, हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट, यानी फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो रिजल्ट बीच में आते हैं
उनको स्टोर करती है आइदर टेम्परेरली, या तो टेम्परेरली या फिर परमानेंटली, ठीक है। मेमोरी यूनिट का ये काम होता है। दो टाइप की मेमोरी होती है हमारे पास कंप्यूटर में, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं हम, मेन मेमोरी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, ठीक है। इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इट इज प्लेस्ड ऑन मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर इन फॉर्म ऑफ चिप्स, क्योंकि ये कहाँ पे प्लेस्ड होती है, जो मैंने कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो मैंने तुमको खोल के दिखाया था, तो अंदर एक ग्रीन कलर का बोर्ड था, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। उस मदरबोर्ड के ऊपर चिप्स की फॉर्म में, जैसे रैम की चिप होती है ग्रीन कलर की लंबी सी, वो ऐसे मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है क्या होती है, इंटरनल मेमोरी, ये मदरबोर्ड के ऊपर चिप्स की फॉर्म में लगी होती हैं। फॉर एनी प्रोसेसिंग, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, किसी भी प्रोसेसिंग के लिए क्या करना पड़ता है हमको, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर इट मस्ट बी फर्स्ट प्लेस इनटू प्राइमरी मेमोरी, देन ओनली दे कैन बी प्रोसेस्ड। यानी कि हमें कोई भी प्रोग्राम चलाना हो, कोई भी प्रोसेसिंग करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को उठा के, या फिर हम बोल सकते हैं उस प्रोग्राम के डाटा और इंस्ट्रक्शन को जो है सेकेंडरी मेमोरी से उठा के प्राइमरी मेमोरी लेके आना पड़ता है, ठीक है। द आउटपुट इज स्टोर्ड इन मेन मेमोरी बिफोर बीइंग ट्रांसफर टू द आउटपुट डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जो कंप्यूटर तो आउटपुट जनरेट करता है ना, उसको कहाँ स्टोर करके रखता है, मेन मेमोरी में, ठीक है। बिफोर मतलब उसको हमको देने से पहले वो कहाँ स्टोर करता है आउटपुट जनरेट करी उसने, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू कैन वर्क विद द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। सीपीयू सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पे काम करेगा जो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर है, मेन मेमोरी में। इसीलिए बार बार हम बोलते हैं कि भाई कोई भी प्रोग्राम चलाना हो, जैसे एमएस वर्ड है हमारा, एमएस एक्सेल है, ये स्टोर तो कहाँ रहते हैं, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जब इनको चलाना होता है, हम जैसे ही इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो 1-2 सेकंड का टाइम लेते हैं ना खुलने में ही, उस टाइम क्या हो रहा होता है कि सेकेंडरी मेमोरी से उठ के इनको प्राइमरी मेमोरी में लेके आया जाता है, ठीक है। देयर स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड, छोटी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ज़्यादा नहीं होती, एंड कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज हाई, ठीक है। तुम ये लिख सकते हो कि इनकी स्टोरेज जो है कम होती है और कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे फ़ोन में क्या होती है, इंटरनल मेमोरी कितनी होती है, 4 GB, 8 GB, और जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो कितनी होती है, 64 GB, 128 GB, 32 GB, ऐसे, ठीक है। तो जो इंटरनल मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी लो होती है, कम होती है, और कॉस्ट ज़्यादा होती है। दो टाइप की होती हैं प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। सबसे पहले रैम पढ़ेंगे। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज ए रीड एंड राइट मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी है, रीड एंड राइट, यानी उसको पढ़ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट उसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। रैम प्रोवाइड्स टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। रैम के अंदर कोई भी चीज़, चाहे डाटा हो चाहे इंस्ट्रक्शंस हो, कैसे स्टोर होंगी, टेम्परेरीली। इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल नेचर होता है रैम का, मीन्स क्या मतलब उसका, द डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन रैम गेट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अगर कंप्यूटर बंद हो गया, मान लो तुमने शट डाउन कर दिया कंप्यूटर, जब तुम दोबारा कंप्यूटर ऑन करोगे तो रैम तुमको खाली मिलेगी, ठीक है। रैम में परमानेंटली स्टोर नहीं होती चीज़ें, रैम में तो सिर्फ वो चीज़ें स्टोर होती हैं जिन चीज़ों के ऊपर तुम काम कर रहे हो, ठीक है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम मे वेरी फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। सबकी रैम अलग अलग हो सकती है, जैसे 2 GB हो किसी की, 4 GB हो, 6 GB हो, 8 GB हो। जैसे अब जैसे मेरा लैपटॉप इसमें 4 GB है, ठीक है, जो स्कूल में मेरा कंप्यूटर हो उसमें 4 GB हो, जो तुम्हारे कंप्यूटर हो उनमें 2 GB है। लार्जर द रैम मोर एफिशियंट एंड फास्ट इज द कंप्यूटर। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट होगा, एफिशियंट होगा। रैम बनती कैसे है, ए रैम इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल स्टोरेज एरिया कॉल्ड सेल्स, ठीक है।
तुमने ग्रीन कलर की चिप दिखाई थी मैंने तुमको, रैम कैसी होती है, कैसे बनती है, वो कई सारे सेल्स से बनती है। और सेल क्या होते हैं, स्मॉल स्टोरेज एरिया, ठीक है, छोटी छोटी मेमोरी के सेल होते हैं, उनको इकट्ठे करके रैम बनती है। द साइज ऑफ ईच सेल इज इक्वल, सभी का साइज इक्वल होता है हर एक सेल का, एंड ईच ऑफ देम कैन स्टोर फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, और हर सेल जो है एक फिक्स नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर सकता है। उस फिक्स नंबर ऑफ बिट्स को क्या बोलते हैं, वर्ड लेंथ, यानी कि हर सेल, तो क्या हो गया, यानी कि रैम में जो है कई सारे सेल हो गए, हर एक सेल का इक्वल साइज हो गया, और हर सेल क्या स्टोर करता है, बिट्स, उन बिट्स को क्या बोलते हैं, वर्ड लेंथ। दो टाइप की होती हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम, ठीक है, रैम के अगर कोई टाइप पूछ ले तो। अब आ जाओ रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। देखो रैम के शुरू में हमने क्या पढ़ा था, रैम की जो वो रीड एंड राइट मेमोरी होती है, लेकिन ये होती है सिर्फ रीड ओनली, इसमें हम कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। नथिंग कैन बी रिटन ऑन इट, ओनली द प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कैन बी रीड फ्रॉम इट, यानी कि जब रोम चिप बनाई गई थी, जो इसको बनाने वाला है कंपनी में, उसने जो डाटा इसके अंदर डाला है, हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इट कंटेन्स ऑल द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट आर नीडेड फॉर स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। रोम में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यही लिखनी है एग्जाम में, रोम में क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शंस जो हमको कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम कंप्यूटर का स्टार्ट बटन दबाते हैं, तो क्या होता है, रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस निर्देश हैं वो चलते हैं, तभी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, वरना कंप्यूटर क्या पता कि उसको स्टार्ट होके कैसे ओपन होना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज परमानेंट एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम इट, इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। देखो रैम था वोलेटाइल और यह है नॉन वोलेटाइल, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद हो गए, दोबारा हम चलाते हैं, तब भी इसमें डाटा हमको मिलेगा, परमानेंट है डाटा इसमें, ठीक है। इट्स साइज एंड कॉस्ट बोथ आर लोअर देन रोम, ठीक है, इसकी जो कीमत है वो भी कम है और जो साइज है वो भी कम है। तो कई बार क्वेश्चन आता है रोम के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस किस काम आता है हमको, हमारे लिए कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, तो रोम में क्या होता है, बायोस होता है। बायोस क्या होती है, वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को स्टार्ट करती हैं। रोम के क्या क्या टाइप होते हैं, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। एम होता है मैग्नेटिक रोम, ये होता है प्रोग्रामेबल रोम, ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, टाइप्स याद रखने हैं बस। कैश मेमोरी, अब आ जाओ, एक छोटी सी मेमोरी और बच गई हमारी, मेमोरी हमने वैसे पढ़ ली सारी, अब हमारी एक कैश मेमोरी बचती है। कैश मेमोरी की थ्योरी जो है तुम अपने आप पढ़ना, वैसे मैं तुमको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे तो ये हो गया हमारा सीपीयू, सीपीयू चिप, या फिर जिसको प्रोसेसर बोलते हैं, जो हमने हम जैसे ही हमने जब तुमको मैंने वो सीपीयू का बॉक्स खोल के दिखाया था, उसके अंदर मदरबोर्ड थी, मदरबोर्ड के बीच में एक स्क्वायर में एक मोटा सा ऐसे बॉक्स सा था, बिल्कुल छोटा सा, जिसको मैंने बताया था कि ये प्रोसेसर है, ठीक है, और साइड में ही हमारी उसी मदरबोर्ड पे रैम लगी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को प्रोसेस करना होता है तो प्रोसेसर करेगा, प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू चिप भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही किसी चीज़ को प्रोसेस करना पड़ता है, तो क्या करते हैं, उस चीज़ को पहले तो सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लेके आना पड़ता है, और फिर रैम से वो चीज़ कहाँ जाएगी, प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर में, ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन सीपीयू की स्पीड तो है तेज, लेकिन रैम की स्पीड, रैम क्या करता है, पहले तो सेकेंडरी मेमोरी से अपने अंदर लेगा, ठीक है, और फिर इसको देगा, तो स्पीड जो है लेट हो जाते हैं, सीपीयू को खाली बैठना पड़ता है, क्योंकि सीपीयू की स्पीड तेज है, रैम की स्पीड कम है, इसीलिए दोनों के बीच में एक कैश मेमोरी लगा दी गई, ताकि जो स्पीड का मिसमैच है वो ना हो। अब क्या होगा, जो रैम है वो जल्दी से जो डाटा था या इंस्ट्रक्शन है, जो भी प्रोग्राम चलाना है
उस सेकेंडरी मेमोरी से लिया और किसको देती है, कैश मेमोरी को, तो डिस्टेंस कम हो गया। अब कैश मेमोरी की स्पीड होती है बहुत तेज, वो जल्दी जल्दी सीपीयू को देती रहती है, ठीक है, जो भी चीज़ प्रोसेस करनी है। तो कहने का मतलब है दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना, सिर्फ इतना याद रखना है कि कैश मेमोरी एक फास्ट मेमोरी होती है जो कि कहाँ पे प्लेस की गई है, कहाँ पे रखी गई है, प्रोसेसर और रैम चिप के बीच में, और क्यों रखी गई है, ताकि जो स्पीड मिसमैच है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो हमने शुरू में देखो क्या पढ़ा, मेमोरी यूनिट, मेमोरी जो कितने टाइप की थी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी होगी पूरी, प्राइमरी मेमोरी में हमने दो ही चीज़ें पढ़ी, कौन सी, रैम और रोम। अब आ जाओ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में कुछ नहीं है, यही है सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डाटा परमानेंटली, जो हार्ड डिस्क होती है हमारी, पेन ड्राइव होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, यानी कि इनमें से डाटा मिटता नहीं है लाइट के जाने पे भी, नॉन वोलेटाइल है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी वगैरह, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, चीपर सस्ती होती हैं, ठीक है। तो इनको लिखो ऐसे, मेमोरी हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ ली है आज। तो वोलेटाइल सिर्फ कौन सी है, रैम, रोम भी नॉन वोलेटाइल है, और सेकेंडरी मेमोरी तो सारी होती ही नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। ओके थैंक यू, तुम्हारी अक्टूबर वाली यूनिट भी कंप्लीट होगी, ठीक है।